आरटीओ सिरमौर ने निजी बस ऑपरेटरों को पांवटा साहिब में सख्त निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले किसी भी बस ऑपरेटर को बख्शा नहीं जाएगा। आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने पांवटा साहिब में निजी बस ऑपरेटरों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी बस ऑपरेटरों को हिदायत देते हुए स्पष्ट किया है कि बसों में ओवरलोडिंग व अन्य कानून नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरटीओ सिरमौर ने निजी बस ऑपरेटरों को पांवटा साहिब में सख्त निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले किसी भी बस ऑपरेटरों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रवार को आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने पांवटा साहिब में निजी बस ऑपरेटरों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी बस ऑपरेटरों को हिदायत देते हुए स्पष्ट किया कि बसों में ओवरलोडिंग व अन्य कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आए दिन सड़कों पर दर्दनाक हादसे की दुर्घटनाओं के मामले पेश आ रहे हैं, जिसको लेकर अब शक्ति बरती जाएगी। उनका कहना है कि जिले के अंदर बसों में ओवरलोडिंग करने वालों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि बसों में जितनी सीटें होती हैं उतनी ही सवारियां बिठाई जाएं और परिचालक और चालक के पास वर्दियां तथा बसों में स्टीरियो आदि न लगाएं तथा हर एक बसों में टिकट काटने वाली मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। बस तथा अन्य सारे नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई भी बस ऑपरेटर किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी बस पर भी नियम लागू रहेंगे तथा नजर रखी जाएगी। इस मौके पर बस ऑपरेटर संघ के प्रधान मामला शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को बुलाया गया है, एक जनरल मीटिंग कॉल की है सबके साथ, और मीटिंग बुलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सभी ऑपरेटर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं हिमाचल में आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटना की सूचना मिल रही है, और जब ये दुर्घटना किसी मास लेवल पर होती है जिसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज हैं तो बहुत ही दुख का विषय है। इसीलिए सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स को बुला करके मीटिंग कॉल कर रहे हैं कि ताकि हम एक दूसरे से आपस में बातचीत बैठ करके बातचीत करें और जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियम हैं, रूल्स हैं, उन सबको फॉलो करें, क्योंकि इसमें अब कोई भी बहुत ज़्यादा सख्ती बरतने वाले हैं और कोई भी इसमें ढील नहीं दी जाएगी। किसी भी ऑपरेटर की तरफ से यदि किसी भी तरह की उल्लंघना पाई जाती है तो उसको स्ट्रिक्टली व्यू किया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए एक तरह से आप वार्निंग कह सकते हैं और जागरूकता भी है लोगों को देने के लिए कि वो सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी तरह की अनियमितता को ना करें, क्योंकि भी चेकिंग की जाती है और रेगुलर चेकिंग की जाती है, प्राइवेट बसों की भी, सभी की करते हैं, सरकारी की भी और एचआरटीसी की जितनी भी हादसे हुए थे हमने देखा कि सिरमौर में प्राइवेट बसों के गाते गए चलान, जबकि सरकारी जितनी भी ओवरलोडिंग थी कोई नहीं पकड़ी गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसका मैं तो इसके बारे में शायद ना बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर पुलिस विभाग के पास भी देखें तो हमने भी, मैंने खुद भी चेकिंग की है, अभी पीछे न्यूज़ भी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा, एचआरटीसी की बसें भी चेक की और प्राइवेट भी दोनों किसी की भी और प्राइवेट की, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई रवैया नहीं है कि एचआरटीसी की नहीं पकड़ी, सवारियाँ उसमें भी जा रही हैं, लोगों की जान उसमें भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट में भी, एचआरटीसी में भी है, दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल कॉमन है, दोनों के लिए सेम है और सभी को नियमों का पालन तो करना पड़ेगा।